ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एक्वेरियस साइन, जिसमें हम देखेंगे कि यह हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट फॉर ऑल द एक्वेरियस, और देख लेते हैं कि अभी करंट सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। सो आई थिंक इट्स लाइक चेजिंग समबडी, यू नो, लाइक ऐसा लगता है कि आप कुछ चेज कर रहे हैं कनेक्शन में। इज इट यू, या तो ये आपकी बात है या आपके पार्टनर की बात है, कि कुछ कोई किसी को चेज कर रहा है ऐसा लग रहा है, और को डिपेंडेंसी ये चीज़ हो सकती है, यू नो। ओके, आपकी बात करें तो एक्वेरियस, ऐसा लगता है कि आपके अंदर लाइक ऑफकोर्स यहाँ पे हमारे पास मैरिड एनर्जी हो रही है, हो सकता है कि आप मैरिड हैं, ठीक है, रिजिस्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ है जो आपको तंग कर रही है। आई थिंक इट्स अबाउट लाइक समथिंग इज़ लाइक इरीटेटिंग यू, और या आप इरीटेटेड रहते हैं अपने पार्टनर की वजह से, या आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी है, ठीक है, और यू हैव फैमिली या जो भी है, या आपके मन में ऐसी फीलिंग्स हैं कि आप किसी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, बट एक रेजिस्टेंस वाली एनर्जी भी है यहाँ पर, या आप अलूफ रहते हैं, अकेले अकेले रहते हैं, खाली खाली आपको लगता है, आई डोंट नो ये चीज़ें। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, यस, थोड़ा सा यू नो कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है इस पर्सन की, तो आप दोनों में ही एक थोड़ी सी दूरियां हैं, खामोशी है, या यूँ कह लीजिए थर्ड पर्सन की वजह से कुछ इश्यूज़ हैं। अब थर्ड पर्सन में बहुत कुछ होता है जी, भी आपके पर्सन का नेचर ऐसा है कि वो अकेले रहना पसंद करते हैं, अपने काम को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं, लोगों को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं, ठीक है, अपने एनी थिंग, तो वो चीज़ है। बट हाँ, यस, ये एनर्जी है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है इस रिलेशनशिप को लेके? कोल्ड इंटेंशंस हैं, थोड़ा सा कोल्ड है ये पर्सन, या माय वे और द हाई वे वाली एनर्जी है, ठीक है, कि अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। ओके, कुछ के लिए हो सकता है दैट यू आर डीलिंग विद फेलो एयर साइन, ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये एनर्जी आपके पार्टनर की भी हो सकती है ऐसी, और अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऐसी एनर्जी भी है, ठीक है, बट नेवर माइंड। ये जो पर्सन है कोल्ड, इंटेंशंस क्या है कि ठीक है करना है, बट अपने तरीके से काम करना है, वो वाली एनर्जी है। आउटकम क्या है? ओके, सो इट्स अबाउट आप लोगों के बीच में ना लाइक होल्डिंग इमोशन, लड़ाई झगड़ा, बातें, या ऐसी ये चीज़ें होती रहती है, इमोशंस आर देयर, ठीक है, लाइक बट मुझे यहाँ लग रहा है कि कोई और भी है, मतलब इट्स अबाउट लाइक देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, या ध्यान कहीं और है, और थर्ड पार्टी की वजह से कुछ है, तो दूरियाँ, ये वजह हो सकता है कि आप लोगों के बीच में दूरियाँ हैं, ठीक है, या कुछ के लिए वर्क, यू नो, कि मे बी काम की वजह से, यू नो, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, फाइनेंसेस, या काम में ज़्यादा फोकस्ड रहना, एक पार्टनर का फैमिली को टाइम ना देना, दे पाना, घर ना दे, घर को नहीं देखना, ठीक है। सो आउटकम इज़ दैट आप लोगों की कोई बात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, कुछ क्लियर एक दूसरे के साथ, यू नो, टॉक हो सकती है इस बात पे, लाइक क्लैरिटी की गेटिंग, यू नो, ऐसी कोई बिल्कुल मुँह पे बोल देना, ऐसी वाली एनर्जी। चलिए, जो लोग टोटली सिंगल है एक्वेरियस, उनके लिए व्हाट्स कमिंग, आई थिंक जो सिंगल एक्वेरियस है, देखिए हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप किसी के साथ हो सकता है, बात हो सकती है, कम्युनिकेशन अगेन वेरी इनिशियल, सो दूरी, लाइक दूर दूर से, इट्स अबाउट दैट, कि कोई आपको फैसिनेट कर रहा है, और शायद हो सकता है कि आपको समझ ना आ रहा हो, बात करें, एंड फाइनली यू टॉक टू दिस पर्सन, ठीक है, बट थोड़ी दूरियां हैं आप लोगों के बीच में, और बट हाँ, ये ज़रूर हो सकता है रिसीविंग मैसेज फ्रॉम समबडी, कोई आपको रीच आउट कर रहा है, आप किसी को रीच आउट कर रहे हैं ऑनलाइन और एट वर्क स्पेस, ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। तो क्या ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा? कांट से, बिकॉज फाइव ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट, शायद हो सकता है आप डिसअपॉइंटेड हों इस पर्सन से मिल के एक्चुअली में, ठीक है, तो वो तो मिलने के बाद ही पता चलेगा, बट येस, तो अगेन मैं सबको बोलती हूँ, इफ़ यू आर डेटिंग ऑनलाइन, किसी से बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा यू नो क्लैरिटी मिलना ज़रूरी है, एक दूसरे को जान लीजिए, पहचान लीजिए, ठीक है। चलिए,
दूर के ढोल सुहावने वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए और देख लेते हैं क्वेरीज के लिए करियर वाइज ये हफ्ता कैसा रहेगा। ओके सो करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट गुड आंसर्ड प्रेयर, हो सकता है कि आपके कुछ फेवर में होने जा रहा है। यस और इट्स अबाउट मनी, गेटिंग मनी फ्रॉम समवेयर या जेनरस, ठीक है कोई आप पे जेनरस लाइक समबडी इज़ हेल्पिंग यू आउट या आप किसी की मदद कर रहे हैं, कोई आपकी मदद कर रहा है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। और दूसरी बात ये कि आपको डील करना आता है चीज़ों में, ठीक है ना, कि कैसे करना है क्या करना है। कि मान लीजिए कुछ चीज़ें डिले हो रही हैं, कुछ चीज़ें आपके, तो आपको आता है कि कैसे डील करना है, तो वो चीज़ बिकॉज यू नो शायद हो सकता है कि आपकी जो भी जॉब है काम कर रहे हैं, यू नो हाउ टू यू नो डील विद इट। तो ऑल इन ऑल सीम्स टू बी अ गुड वीक फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल। स्टे अवे फ्रॉम ट्रिक्सटर्स, ठीक है। हाँ आपको डील करना आता है, यहाँ पे हमारे पास सेवन ऑफ सोट्स आ रहा है, तो ये ज़रूर हो सकता है कि कोई कोशिश कर रहा है आपके आपको उलझाने की, या आपके पैसों के लिए, या आपको वैसी बातों में उलझाने की, ठीक है ना। तो आई थिंक यू आर द बॉस एंड यू विल डील विद इट, ये एनर्जी है। चलिए देख लेते हैं आप क्या गाइडेंस है एक्वेरियस के लिए। ओके ट्रांसफॉर्मेशन चेंज यहाँ पे हमारे पास दिखाई दे रहा है, सो दैट मीन्स कि सम चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ एंड यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड पीस एंड हार्मनी। सो अपने पीस को इम्पोर्टेंस दीजिए, यू नो इंटरनल पीस को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, फ्री योर सेल्फ फ्रॉम द मेंटल प्रेशर, और इट्स अबाउट कि चेंज होना बहुत ज़रूरी है, और जितनी जल्दी आप इस चीज़ को अडेप्ट कर ले उतना अच्छा है। अब चाहे वो रिलेशनशिप में हो या करियर में हो, ठीक है, यू नीड टू चेंज सर्टन वेज। इट्स अबाउट रिफ्लेक्शन, जैसा आप होते हैं वैसा ही आप यू नो, तो वैसी वाली जैसी आपकी सोच होती है। इट्स अबाउट मिररिंग, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको जानना ज़रूरी है। एंड आई थिंक येस आप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, चेंज की तरफ निकल रहे हैं। आसपास आपकी हर चीज़ चेंज हो रही है, हो सकता है आपका नज़रिया बदल रहा है, आपकी सोच बदल रही है, सो इट्स अ गुड थिंग। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।